तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्लूइड मैकेनिक्स से करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक लेट से यू शेप का एक ट्यूब है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने देखा ही है जब हम लोग वो बात करते हैं पैस्कल्स लॉ की। तो इसका जो डायमीटर है बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब समझ रहे ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बहुत ही नेग्लिजिबल है। एंड ठीक है, तो बेसिकली मतलब ऐसा मान लीजिए कि फिर भी जैसे नेग्लिजिबल भले हो, बट ये डी वैल्यू है इसकी, डायमीटर की, है ना, ऐसे करके इसको मान लीजिए। वैसे ये कुछ भी हो सकता है, डी जितना भी हो सकता है, डी से अलग भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। क्योंकि हम लोग वैसे भी यूट्यूब जब वो बनाते हैं तो इसको पतला इसको मोटा ऐसा कुछ तो अलग अलग रखते हैं। बट ऐसा मान लीजिए फिलहाल कि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है कि प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर दोनों साइड पे है तो लेवल ऑफ द फ्लूइड जो अंदर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। लेवल ऑफ द फ्लूइड इज गोइंग टू बी सेम, जो लेवल ऑफ फ्लूइड है वो सेम रहेगा। लेकिन लेकिन अगर मैंने इस बंदे को सपोज यहाँ पे एक एक्सिस फिक्स कर दिया, सपोज मैं यहाँ पे एक एक्सिस फिक्स कर देता हूँ और एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस पूरे ट्यूब को घुमाता हूँ, तो ये ट्यूब जो है इस एक्सिस के अबाउट चक्कर काटेगा पूरा ट्यूब। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फ्लूइड था, उसका लेवल इस ट्यूब में से घट जाएगा और उस वाले ट्यूब में बढ़ जाएगा। फ्लूइड जो है रोटेशन की वजह से यहाँ पे चढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पे चढ़ जाएगा, दूर जाएगा ना। अरे आप समझते हैं ना, क्योंकि जब भी हम किसी लिक्विड टाइप की चीज़ को जब एक मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप का नहीं फोर्स हम लोग बताते हैं, एक फोर्स है हम उसे घुमा रहे हैं, या टेस्ट ट्यूब को घुमाते हैं, तो बेसिकली अवे फ्रॉम द एक्सिस वो फोर्स होता है। तो इसकी वजह से जो ये लिक्विड है ये एक फोर्स फील करेगा, तो इन दोनों की जो हाइट है मतलब उसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस को एक लेट से एच नॉट या एच जो भी चाहे हम नाम दे सकते हैं। तो ये तो आया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, है ना, तो वो अभी हमें कैलकुलेट करना है। वैसे सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल जो फोर्सेस रहते हैं दे आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का तुम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे एक एक एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ ज़रा, तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट जो कि इस एक्सिस से एक्स की दूरी पर है, और वो एलिमेंट डी एक्स साइज का है, लेंथ एलिमेंट डी एक्स साइज का। इसका मास कितना ले लेता हूँ, डी एम ले लेता हूँ, इसका मास डी एम है। ठीक है, इतने फ्लूइड का मास डी एम है। अभी जो इसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील हो रहा है वो है डी एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। एक सेकेंड, ओमेगा इज स्पीड ना, हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर और रेडियस विच इज एक्स। अच्छा बाय द वे, जो ट्यूब है इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो एल है। ठीक है, पूछा कैसा वाला, आप बोलेंगे सर के आपने सिचुएशन तो समझा दी, बट सवाल क्या है? सवाल ये है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मतलब इन द मतलब डिफरेंस हाइट डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड इन द टू आर्म्स। तो दोनों आर्म्स की जो में जो लिक्विड है उसकी जो हाइट का जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो अरे आपको याद होगा ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर। आई होप कि ये बात आपको पता है। मैंने वही यूज करके डी एफ इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लिया है जो कि इस दूरी पर इस बंदे पर एक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे तो यहाँ से वहाँ तक का जो लिक्विड है सभी पे देखना है ना, मुझे तो पूरा ये लिक्विड पे जो टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है या सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो देखना है। तो मैं इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, तो मुझे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लेना होगा चीज़ों का। अच्छा अब बेसिकली जो मास होता है उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, मास ऑफ द लिक्विड जो यहाँ पर है वो कैसे लेंगे? तो इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, ये लेफ्ट साइड पे तो एफ बन जाएगा। अच्छा राइट साइड पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तो है, जो छोटी वॉल्यूम है इस छोटे मास की, छोटी वॉल्यूम है वो कैसे ली जाएगी? छोटी वॉल्यूम जो इस बंदे की है, अगर डी वॉज द डायमीटर, ठीक है,
तो पाई डी स्क्वायर उसका बेस एरिया हो जाएगा और डीएक्स उसकी हाइट हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, सिलेंडर है ना ये, दिस इज लाइक अ सिलेंडर, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर और हाइट हो जाएगी डीएक्स, सो यहाँ पे आ जाएगा पाई डी स्क्वायर, सॉरी पाई डी स्क्वायर इज नॉट द एरिया, पाई डी स्क्वायर बाई फोर इज द एरिया, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, सॉरी आई एम सॉरी, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, सो पाई डी स्क्वायर बाई फोर इज द मतलब एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं या पाई डी स्क्वायर बाई फोर भी आप एरिया ले सकते हैं, और हाइट कितनी है डी एक्स है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अब आप देख सकते हैं कि बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, सिर्फ एक्स वेरिएबल है ना, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, जीरो से एल तक चेंज हो रहा है, डेंसिटी इंटू पाई अपॉन फोर डी स्क्वायर साइड में, ओमेगा स्क्वायर साइड में, एंड जो है एक्स डी एक्स इस तरीके से आ जाएगा। तो मुझे क्या मिलने वाला है, फोर्स की वैल्यू आने वाली है पाई डी स्क्वायर बाई फोर रो ओमेगा स्क्वायर, इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू जो कि होगा जीरो से एल तक, है ना, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा इंटीग्रेशन जो कि होगा जीरो से एल तक, सो एफ इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाई फोर रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया फोर्स। अच्छा बाय द वे जो फोर्स पूरा यहाँ पे फील हो रहा है ये वो हमें आ गया है ना, मतलब जो पूरा लेंथ के अक्रॉस जो पूरा ये मास ऑफ द वाटर है जो फोर्स फील कर रहा है वो हो गया। अच्छा वो जो वाटर जो फोर्स फील कर रहा है वही फोर्स तो इस हाइट को बढ़ाएगा ना, मतलब वही फोर्स तो इस पानी को उठाए हुए है ना, तो ये जो उठा हुआ पानी है उसका वेट ही तो ये फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो वॉट इज द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू फोर्स बाय द वे प्लीज रिमेंबर। अब वॉट इज द वेट ऑफ द वाटर, जो वेट ऑफ द वाटर है वो है कितना, तो वेट ऑफ द वाटर अगर हम निकालने को जाएं तो वेट ऑफ द वाटर विल बी व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अगेन, सो डेंसिटी एज इट इज रहेगी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेस एरिया विच इज अगेन पाई डी स्क्वायर बाई फोर, बेस एरिया इतना ही होगा ना, अरे भाई ये भी एक सिलेंडर है इसका बेस एरिया इतना ही होगा, सो पाई डी स्क्वायर बाई फोर इंटू हाइट विच इज एच नॉट, है ना, तो ये वेट होगा। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, W इक्वल्स टू एफ ऐसे कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पाई डी स्क्वायर बाई फोर रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू रो पाई डी स्क्वायर बाई फोर एच नॉट, है ना, तो हमें इस तरीके से मिलेगा, तो पाई डी स्क्वायर बाई फोर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर ये पूरा कैंसिल हो गया, और हाइट ऑफ द लिक्विड जो हमें आ रही है, अच्छा रो भी कैंसिल हो गया, तो हाइट ऑफ द लिक्विड विच इज द डिफरेंस इन द टू ट्यूब्स इज ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, तो हमें ये याद रखना है, ये जो है बेसिकली इसका फॉर्मूला है, इतना लिक्विड जो है वो राइज होगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब डिवाइड बाई टू। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आई है। अच्छा कहीं कहीं पे ना जो क्वेश्चन है ना वो पूछते हैं कि भाई फोर्स कितना है, फोर्स कितना फील हो रहा है, तो फोर्स के लिए तो हमने डायरेक्टली निकाल ही लिया था, दैट इज द आंसर, ये जो दिख रहा है यही आंसर है ना, तो उसमें क्या कर देते हैं ना उन लोग कभी कभार एरिया को सब्स्टिट्यूट ही नहीं करते हैं, तो उसमें सिंपली इस तरीके से आ जाता है एफ इज इक्वल्स टू ए रो, एक सेकंड अच्छे से बड़ा कहीं लिखता हूँ, तो फोर्स जो रहता है वो कितना रहता है एफ इक्वल्स टू ए रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई कितना है भाई बाई टू, करेक्ट, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, टू, सो दिस इज द फोर्स। आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है समझ में आ रही है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है वो ये वाला रहता है, ठीक है, ओके, एनीवे, सो दैट वाज इट। तो हमें पता यही करना था ना कि डिफरेंस इन द हाइट कितना है या फोर्स कितना फील हो रहा है जिसकी वजह से पानी ऊपर जा रहा है, सो दिस इज द आंसर, थैंक यू वेरी मच।